बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेराज खान एंड आप देख रहे हो नॉलेज टीवी। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मैट्रिसेस के बारे में। आज हम क्या करेंगे, ये दो मैट्रिसेस दिए हैं, एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। डी और ई हम लोगों ने क्या मालूम करना है, ई माइनस डी मालूम करना है, किस तरीके से सप्रेशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सारे इसी तरीके से हैं। हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि हमने ई माइनस डी फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ई माइनस डी। ई जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो ये है, माइनस 1, 2, 4 और जो हमारे पास क्या आता है 1, 3, 5। फिर माइनस आएगा, फिर हमारे पास डी कौन सा मैट्रिक्स है, 2, 1, -2 और 4, 3, 1। ये ई माइनस डी। अच्छा, फिर क्या करते हैं, फिर माइनस वन है यहाँ पे, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, माइनस वन फिर माइनस फिर टू, फिर टू, सही, फिर टू माइनस यहाँ पे क्या आता है, वन आता है, फिर फोर माइनस इंटू माइनस टू, सही, फोर माइनस माइनस टू। अच्छा, फिर इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में ये आता है, ये एलिमेंट आता है, तो हम कहते हैं 1 माइनस 4। फिर इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में ये आता है, तो हम कहते हैं 3 माइनस 3। फिर 5 के कॉरिस्पॉन्डिंग में जो है 1 आता है, तो हम कहते हैं 5 माइनस 1। ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 1 माइनस 2 कितना बनता है, माइनस 3 बनता है, और 2 माइनस 1 1 बनता है, 4 उसी तरीके से माइनस माइनस हमारे पास प्लस 2 आएगा, यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा, ये जो है 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा लास्ट में, यानी ई माइनस डी का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, -3, 1, 6, -3, 0 और 4। ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ ई माइनस डी। इस तरीके से जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आपने इसका ऑर्डर देखना है, ऑर्डर 2 बाय ऑर्डर जो हमारे पास क्या है, 2 रोज इसमें, सही, और 1, 2, 3 कॉलम्स हैं, 2 बाय 3 हैं, इसको 2 रोज हैं हमारे पास और 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। ऑर्डर क्या है हमारे पास, सेम है ऑर्डर, सेम हमारे पास, तो हम लोगों ने दूसरा ऑर्डर सेम है, तो हम इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है, पॉसिबल है, हम आसानी से जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरे से माइनस करेंगे। इसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वो क्या है, फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है कि इसी जो यही जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसी को जो है क्या करना है, एडिटिव इनवर्स बनाना है। मतलब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, जो प्लस में थे, जो एडिशन में थे, पॉजिटिव थे, उसको क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे, नेगेटिव करेंगे, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। अच्छा, कैसे करेंगे, अभी देख, ये सॉल्यूशन है हमारे पास, यही हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 3, 2, 1, 4, 5, 3, सही। अच्छा, इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, तो हम लिखेंगे माइनस डी इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा, सही। जितने भी जो प्लस थे उसको हम लोगों ने क्या माइनस किया। अच्छा, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। लेकिन एंड आल्सो स्टेट दिस, कहता है ये भी साबित करो कि ई माइनस ई हमारे पास जो है वो क्या है, 0 की इक्वल आता है, सही। जब हम किसी भी मैट्रिक्स में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। अब इसको भी प्रूव करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहला ई मैट्रिक्स क्या आप लिखेंगे, ई क्या है हमारे पास, 3, 2, 1, 4, 5 और 3। अच्छा, माइनस आएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा -3, सही, या हम लिखेंगे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्लस इंटू माइनस ई, सही, इस तरीके से हम भी लिख सकते हैं कि ई प्लस माइनस ई इज इक्वल टू 0। यानी जब हम किसी भी मैट्रिक्स में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 बचता है, सही। यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं, -3, -2, -1 और -4, -5 और -3। अच्छा, अब इसको 0 के इक्वल लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल 3 प्लस माइनस माइनस बनता है, हम लिखेंगे कि 3 प्लस माइनस 3, 2 प्लस माइनस 2, 1 प्लस माइनस 1, 4 प्लस माइनस 4,
फाइव प्लस माइनस फाइव और थ्री प्लस माइनस थ्री। अच्छा अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस बचता है यानी थ्री माइनस थ्री आएगा, वन माइनस वन आएगा, फाइव माइनस फाइव आएगा और यहाँ पे टू माइनस टू आएगा, फोर माइनस फोर आएगा, थ्री माइनस थ्री आएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा यहाँ पे अगर हम क्या करें, थ्री में से थ्री माइनस करेंगे तो ज़ीरो आएगा, वन में से वन, फाइव से फाइव, ये सारा का सारा हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो 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 और हमारे पास क्या बनेगा, नल या एम्प्टी या ज़ीरो मैट्रिक्स बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये प्रूफ हुआ। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका जो कंसेप्ट है वो पिछली वीडियो में हम लोगों ने दिया था। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है सही, ये राइट हैंड साइड है इस साइड। अच्छा हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे सोल्यूशन में। अच्छा सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है कि ए प्लस बी सही। अच्छा हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एक ए वेक्टर हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ये है कि थ्री सेवन टेन माइनस फाइव और एट फोर, प्लस बी बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, नाइन एलेवन सेवन फोर माइनस एट और नाइन सही। अच्छा अभी हम सिंपल जो है उसको यहाँ लिखेंगे कि थ्री प्लस नाइन कितना बनता है, थ्री प्लस नाइन दूसरे में जो है मैं डायरेक्ट कराता हूँ, नाइन प्लस इलेवन सेवन प्लस इलेवन कितना बनता है और टेन प्लस सेवन कितना बनता है और माइनस फाइव प्लस फोर कितना बनता है, माइनस फाइव प्लस फोर कितना बनता है और एट प्लस माइनस एट कितना बनता है, प्लस माइनस एट कितना बनता है और फोर प्लस नाइन कितना बनता है सही। ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आता है, ये हमारे पास थ्री प्लस नाइन जो है वो ट्वेल्व आया, ये हमारे पास एटीन आया और ये हमारे पास सेवनटीन, ये हमारे पास क्या है माइनस वन आया, प्लस एट और माइनस एट ये ज़ीरो आया हमारे पास, फोर प्लस नाइन ये हमारे पास थर्टीन आया। ये किस चीज़ की वैल्यू है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। अच्छा राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मतलब होता है कि बी प्लस ए, यानी बी में हमने क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है, बी में ए को ऐड करना है। बी हमारे पास ये है नाइन एलेवन सेवन फोर माइनस एट और नाइन, फिर प्लस आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा थ्री और सेवन टेन माइनस फाइव एट और फोर, इनको ऐड करना है सिंपल, नाइन प्लस थ्री इलेवन प्लस सेवन, अच्छा सेवन प्लस टेन फोर प्लस माइनस फाइव, फोर प्लस माइनस फाइव और माइनस एट प्लस एट, सेवन प्लस नाइन प्लस फोर, ये किस चीज़ के बराबर आता है, ये हो गया हमारे पास ट्वेल्व, ये हमारे पास एटीन, ये हमारे पास क्या हुआ सेवन प्लस टेन सेवनटीन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर में से जब माइनस फाइव को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस वन आता है और ये ज़ीरो हो जाएगा, ये हमारे पास थर्टीन के बराबर आएगा। ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, राइट हैंड साइड की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जो है इनके इक्वल हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि इन्स इट्स प्रूव दैट कि जो मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को क्या करता है, ओबे करता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये क्या हुआ हमारे पास, प्रूफ हुआ। इसके बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी इसमें तीन मैट्रिक्स हमें दिए हैं तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा हम लिखेंगे सोल्यूशन, पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। अब सबसे पहले उसका ऑर्डर सबका सेम है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन आया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, किस चीज़ के बराबर होता है लेफ्ट हैंड साइड, सी प्लस डी प्लस ई। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं उसके बाद इसमें सी ऐड करते हैं सी। अच्छा सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, फोर माइनस सेवन थ्री टेन, फिर प्लस ब्रैकेट। अच्छा
फाइव टू 13 माइनस फाइव रहता है प्लस 3 माइनस वन टू और फाइव, अच्छा 4 और 7 है हमारे पास माइनस सेवन, 3 और 10 प्लस इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अच्छा 5 में जब हम 3 को ऐड करते हैं यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब ऐड करते हैं तो 8 आता है, 2 माइनस वन कितना आता है प्लस वन आता है, सही। अच्छा 13 जो है प्लस टू कितना आता है 15, माइनस फाइव प्लस फाइव कितना आता है ज़ीरो आता है, सही। अच्छा फिर अगर हम मज़ीद उसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 4 प्लस 8, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं यानी दो मैट्रिसेस हैं और ऐड हो रहे हैं, 4 प्लस 8 12 आता है, माइनस सेवन प्लस वन कितना आता है माइनस सिक्स, और 3 प्लस 15 ये हमारे पास 18 हुआ, 10 प्लस 0 हमारे पास क्या हुआ 10 हुआ। ये किस चीज़ की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। हम आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है के सी प्लस डी को हम लोगों ने ब्रैकेट प्लस ई यानी पहले इनको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसमें इसकी वैल्यू ऐड करेंगे। इसमें हमारे पास क्या आता है पहले सी और डी, सी ये हमारे पास डी ये है, सी मैट्रिक्स लिखेंगे के 4 माइनस 7 3 10 प्लस हो रहा है, डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है 5 2 13 माइनस 5 13 माइनस 5। अच्छा फिर इसमें ऐड हो रहा है ई मैट्रिक्स, ई हमारे पास क्या है 3 माइनस 1 2 5 3 माइनस 1 2 और 5। अच्छा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसको हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था इस वजह से इसको थोड़ा जल्दी करेंगे और क्विक। ये हमारे पास क्या है दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, इसके ऑर्डर सेम है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 5 कितना बनता है 9 बनता है, माइनस 7 हो प्लस 2 सही, माइनस 7 प्लस 2 क्या बनेगा हमारे पास, इस वजह से माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 5 बनेंगे। अच्छा 3 प्लस 13 कितना बनता है हमारे पास 16 बनता है, 10 प्लस माइनस 10 में से जब हम पाई को माइनस करते हैं तो प्लस 5 आता है, सही। ये हमारे पास इसका आंसर आया प्लस ये, अच्छा ये हमारे पास क्या है 3 माइनस 1 2 और 5। अभी क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे, 9 प्लस 3 कितना बनता है 12 बनता है, माइनस 5 प्लस माइनस 1 कितना बनता है यानी माइनस 5 और माइनस 1 ये हमारे पास माइनस 6 बनता है, माइनस 5 माइनस 1 हमारे पास माइनस 6 बनता है। 16 प्लस 2 कितना बनेगा 18, 5 प्लस 5 कितना बनेगा 10 बनेगा, ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। अच्छा अभी अगर हम क्या करें इन दोनों को कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जितने भी हैं वो क्या है 12 है 12 आ रहा है, माइनस 6 आ रहा है, 18 आ रहा है और 10 आ रहा है, ये सारे इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि इन जो मैट्रिसेस हैं वो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को ओबे करता है यानी ए प्लस बी प्लस सी, सही। हम कहते हैं कि सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ई, इस लॉ को ये क्या करते हैं ओबे करता है। फिर उसके बाद हम आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। अच्छा स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या था कि किसी नंबर को किसी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करना। इसमें हमारे पास क्या करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है 3c, तो हम सिंपल क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सी मैट्रिक्स के साथ। सी क्या हमारे पास 4 माइनस 7 और 3 और 10। अच्छा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर देते हैं इस 3 को या इस नंबर को हम सारे के सारे इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 12 आता है, 3 7 21, 3 3 9 और 3 10 30, ये आपके पास क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ जो क्या है 2c प्लस 1 साइड 2c प्लस सी, सही। अच्छा 2 हम उसी तरीके से लिखेंगे और c की वैल्यू लिखेंगे, c हमारे पास क्या है 4 माइनस 7 3 और 10, सही 2 इंटू सी प्लस 4 माइनस 7 3 इंटू 10। अच्छा अब क्या करेंगे इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 2 7 14 माइनस 14
दो तिया छः, दो दस बीस, प्लस फोर माइनस सेवन थ्री और टेन। सिंपल दो मैट्रिसेस उसको ऐड करेंगे, ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। एट प्लस फोर कितना आता है, ट्वेल्व आता है, माइनस फोर्टीन प्लस माइनस सेवन, सही। ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, अगर हम फोर्टीन में जो है सेवन को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है ट्वेंटी वन के बराबर आता है, क्योंकि दोनों माइनस में, तो साइन माइनस का आएगा। सिक्स प्लस थ्री नाइन, ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी आएगा। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, तो हम कहते हैं कि इन प्रूव दैट थ्री सी इज इक्वल टू टू सी प्लस सी।